किसान साथियों, हमारे चैनल किसान दर्शन में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडामा की कस्टूडिया फंगीसाइड। आपको मैं दिखा दूँ, यह है कस्टूडिया फंगीसाइड, जो कि बहुत ही एक अच्छी फंगीसाइड है, जो कि एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट तरीके की फंगीसाइड है, जिसका उपयोग आप सभी फसलों पर, चाहे सब्जी वर्ग हो, चाहे वो अनाज वर्ग की फसल, सभी पे कर सकते हैं। वीडियो में चर्चा करेंगे इसका टेक्निकल क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग कौन कौन से फसलों पर कर सकते हैं, या कौन कौन सी बीमारी पर नियंत्रण करेगी, इसका डोज क्या है, इसके उपयोग करने पहले आपको क्या क्या सावधानी होती है, तो वीडियो अंत तक बनी रहेगा दोस्तों। और वीडियो की शुरुआत करते हैं स्टूडियो के साथ। दोस्तों, बात करते हैं इसके टेक्निकल की। इसमें जोक्सिस्टोबिन जो की है 11% और टेबुकोनोजोल जो कि 18.3% जो कि एक एसिड फॉर्म में आती है, अर्थात एक गाढ़ा लिक्विड फॉर्म में आती है, जो कि सफ़ेद रंग की होती है। बहुत अच्छी फंगीसाइड है दोस्तों। दोस्तों, बात करें फसल की, कौन कौन सी फसल इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसका उपयोग आप मिर्च, टमाटर, बैगन, गोभी वर्ग की फसल, इसके अलावा कद्दू वर्ग की जितने भी फसल है सभी पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा धान पे और आपके सोयाबीन पे, कपास पे, सभी पे उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें कौन कौन सी बीमारी पर कंट्रोल देती है, तो कद्दू वर्ग की फसलों में लगने वाले डाउनी मिल्टू पे, पाउडरी मिल्टू पे बहुत अच्छी कंट्रोल देती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एयरली ब्लाइट पे, लेट ब्लाइट पे, एंथ्रोक्नोस पे और सभी तरह के रस्ट हैं, सभी पे बहुत अच्छी कंट्रोल देती है। अब बात करें इसके डोज की, इसका उपयोग आपको दोस्तों 250 ml प्रति एकड़ के रूप में इसका उपयोग करना है। ये छोटी पैकिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये 100 ml की पैकिंग है, जो कि आधे एकड़ के लिए आपकी यहाँ पर आ रही है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें बात की हमने अडामा की कस्टूडिया के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसानों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।